तू तीसरी बार गई, तो उसने बोला बाहर वालों की चीजें है। एक बात बता, जब यही नहीं बता पा रहे कहाँ की चीज है तो वो इलाज खाट करेगा तुम्हारा। झूठ बोल रही है तो बोल दे जल्दी वाली, झूठ बोल रही है। और बेटा आज मेरे को बता दे, परेशानी बड़ी है या घटी है? बढ़ चुकी है ना। जयकार है मेरी कालका माई का, पुत्री घर को बस जाएगा तेरा। लेकिन पुत्री बात ऐसे है कि तेरे को अपने वहां परिवार से ससुराल पक्ष से लेके आना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से इलाज शुरू करूंगी। क्योंकि वो दो दिन यहाँ, दो दिन वहां, दो दिन यहाँ, दो दिन वहां। और बात सुन, मैं आज तेरे को एक और बात बता देती हूँ, खिलाया हुआ तेरी सास को भी है, खिलाया हुआ तेरे पूरे परिवार को है, और खिलाया हुआ तेरे घर वाले को भी है, और खिलाया हुआ एक ससुर को भी है। इसलिए तेरी कोई नहीं सुनता और कोई नहीं मानता। बोलो मेरे साथ गलत कह रही हूँ पुत्री? तेरा साथ देते हैं तो बता दे, ये सारा खिलाए हुए का कर्म चला हुआ है पुत्री, ठीक है? और तेरे घर से जब यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं कैसे चीज आने दूंगी बेटा? ये सारी चीज वहीं की ही है, एक ही जगह की बेटा, वहां पर आज का नहीं बेटा, पिछले कई सालों पुराना कर्म चला हुआ है, ठीक है? आज भी वहां पर रात को, ठीक है, चुड़ैल है वहां पर जो घूमती है, और मैं बताती हूँ छन छन की आवाज लगती है, और धरती में भी धक धक की आवाज आएगी, और छत में खड़के बसते हैं बेटा, ठीक है? और छत के अंदर दीवार पे देखा, दीवार पे एक तरेड़ भी आ रही है अंदर, ठीक है? झूठ बोल रही तो बोल दे, दिल्ली वाली झूठ बोल रही है। बेटा मैं इलाज करने को तैयार हूँ, लेकिन और बेटा होगा तेरा ये भी बता देती हूँ आज, ठीक है? लेकिन पहले बेटा अपने और अपने ससुराल वालों का ढंग से इलाज करवा, क्योंकि बेटा पहले अपना शरीर स्वस्थ होगा तभी तो मैं आगे कुछ करूंगी। आज मैं कर दूं फिर दो दिन बाद मेरी दिक्कत आ जाए, उसका क्या फायदा मेरे को, ये बताओ? बोलो मेरे सच्चे दरबार।